सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिनके वजह से आप इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो, या फिर गाइस अगर आपको केडी मेंटेन वगैरह करना है तो आप इजीली कर लोगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब हम चलते हैं पहले ट्रिक की ओर। तो जो पहला ट्रिक है वो मिलिट्री बेस में वर्क करता है। जो गाइस आपको यहाँ पर सीमेंट्री दिख जाता है, सी बिल्डिंग के सामने जो ये सीमेंट्री है इसको टॉप पर चढ़ना बताता हूँ। और गाइस वहाँ पर जाने के बाद आप इजीली अच्छा खासा एडवांटेज ले सकते हो। तो गाइस देखो मैं इसके ऊपर कैसे जाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको सी बिल्डिंग के यहाँ पर आ जाना है और इस रेलिंग पर जंप करने की कोशिश करना है। आप इसके ऊपर इजीली आ जाओगे एंड देन आपको सामने जो फेंस दिख रहा है आपको इसके ऊपर जंप कर देना है। एंड देन आपको अपने जॉयस्टिक को आगे तरफ करके इजीली इसके तरफ आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको सामने जो सीमेंट्री दिख रही है इसके ऊपर जंप कर देना है। आप इसके ऊपर आसानी से आ जाओगे। और गाइस यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो आपको कितना अच्छा एडवांटेज मिलता है अगर यहाँ पे एंड जोन बन जाता है। और गाइस अगर ये सीमेंट्री एंड जोन में रहा तो गाइस आप आगे की तरफ से अच्छा खासा कवर ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो आगे की तरफ हमें छोटा सा वॉल मिलता है जिसके वजह से आप ईजिली कवर ले सकते हैं। और गाइस आपको बस ध्यान देना होगा कि गाइस जो पीछे जो बिल्डिंग्स है इनके ऊपर बंदे ना जाए, नहीं तो गाइस आपको ईजिली फिनिश कर सकते हैं। बट गाइस इस ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर यहाँ पर ड्रॉप वगैरह फंस जाता है तो भी आप यहाँ से ड्रॉप वगैरह निकाल सकते हो। तो हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रिक की ओर। तो अगर सेकंड ट्रिक में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस लोकेशन पर जो पेड़ है यहाँ पर इस ट्री के ऊपर चढ़ सकते हो। आप गाइस मैप में लोकेशन देख लो कि यासना के बगल में ये मतलब कंपाउंड होता है जहाँ पर एक स्क्वाड हाउस और एक ट्रिपल स्टोरी होता है। तो आपको सिंपली इस स्क्वाड हाउस के टॉप पर चले जाना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर स्क्वाड हाउस के टॉप पर जा रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही सेम इसके ऊपर आ जाना है। और एंड देन गाइस जहाँ पर मैं यहाँ पर जंप कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से इसी जगह पर जंप करना है। आप इस पेड़ के ऊपर आ जाओगे और गाइस यहाँ पर आने के बाद आप इजीली हाइड हो सकते हो। अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो गाइस यहाँ पर होल्ड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर इस कंपाउंड पर बंदे रश कर जाते हैं तो गाइस इसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी स्पॉट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर जो भी बंदे आते हैं आप उन्हें इजीली फिनिश कर दोगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमें पेड़ के ऊपर रहते रहते हमें पेड़ के नीचे का पूरा अच्छा खासा कवर मिल जा रहा है। तो गाइस ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो गाइस ये देख लो आप कितने अच्छे ट्रिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो गाइस यहाँ से उतरना ही बहुत ईजी है, आप कहीं भी कूद जाओ आप ईजिली नीचे आ जाओगे। तो हम चलते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो गाइस अगले ट्रिक के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आप लोकेशन देख लो पहले मैप में। गाइस इस लोकेशन पे बहुत बड़ा एंड जोन बन जाता है तो गाइस इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस घर में आ जाना, और यहाँ पर जैसे देखते हो मैंने अपने टीममेट को यहाँ पर बैठा रखा है। आपको अगर इस तरीके से कोई इस पर बंदा कैंप कर रहा हो इस घर पे तो आप इनके ऊपर इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो या फिर अच्छा एंगल बना सकते हो। वो कैसे गाइस मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको सिंपली इस तरीके से पीछे से इस सैक के ऊपर आ जाना है, और यहाँ सैक से सब सामने वाला जो घर है इसके ऊपर आ जाना है। और गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हो कितना अच्छा आपको यहाँ पर से पूरा लुक मिलता है घर का। और अगर कितने बंदे अंदर कैंप कर रहे हो तो आप उन्हें इजीली फिनिश कर दोगे। तो गाइस यहाँ से भी आप अच्छा खासा एडवांटेज ले सकते हो, थ्रोल्स वगैरह फेंक सकते हो। तो गाइस ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप चाहते हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस जो लास्ट ट्रिक है वो थोड़ा सा पुराना ट्रिक है, बट गाइस अभी भी बहुत यूज़फुल ट्रिक है। आई होप आपको पता हो क्योंकि मैंने इस ट्रिक को बहुत पहले अपने चैनल पर डाल रखा है, फिर भी गाइस मैं इसके अंदर आपको बता दे रहा हूँ। तो गाइस अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सीमेंट्री है यानी गाइस ये जो फैक्ट्री और गाइस ये टावर है इसके ऊपर आप कैसे चढ़ सकते हो। तो सिंपली आपको इस टावर के पास आना है, और जिस तरीके से मैं अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट में करते हुए जंप कर रहा हूँ आपको ऐसे ही जंप करते जाना है। आप गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं जंप कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से सेम आपको ऊपर चले आना है जैसे मैं आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप आराम आराम से अगर आप ऊपर आ चुके तो अगर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से जाना होगा, नहीं तो अगर आप सोलो अगर खेल रहे हो मैच तो गाइस आप डायरेक्ट फिनिश हो जाओगे ऊपर से गिरने के बाद। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। जो ये आपको गोल सा जो ड्रम दिख रहा है आपको बड़ा सा, आपको इसके ऊपर जंप करना है। तो गाइस पहले आपको थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा इस तरीके से, और गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको सामने की तरफ जंप कर देना यानी लजीरप कर देना जिस तरीके से यहाँ पर मैंने किया है, आपको सेम यहाँ पे आ जाना है। अब गाइस यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो आपको कितना अच्छा एडवांटेज मिलता है, आप यहाँ से पूरा मिलिट्री बेस कवर कर सकते हो। और गाइस अगर आपके पास अच्छा स्कोप हो तो गाइस आप सी बिल्डिंग के ऊपर भी बंदे मार सकते हो बहुत आसानी से, और आपको पीछे की तरफ भी अच्छा खासा लुक मिल जाता है, व्यू मिल जाता है। आप यहाँ से ईजिली बंदे स्पॉट करके उनको फिनिश कर सकते हो।
अब गाइस अगर आपको इस फैक्ट्री के ऊपर जाना है तो गाइस उसके लिए आप ध्यान देना कि आपका हेल्थ जो फुल रहे, नहीं तो आप यहाँ पे आते ही नॉक फिनिश हो सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप आने से पहले अपना हेल्थ फुल कर लेना तो गाइस आपकी एचपी जो है थोड़ी सी बच जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपका फ्लेयर ड्रॉप या फिर कुछ ड्रॉप फंस जाता है या फिर आपको होल्ड करना है एंड जोन में तो यहाँ पर आप आ सकते हो। गाइस आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। अगर यहाँ पर एंड जोन बन जाता तो गाइस आपको यहाँ पर जीतने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो बस इस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मिलता हूँ अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।